हेलो फ्रेंड्स, आज बनाएंगे मखाने के लड्डू जो खाने में बहुत टेस्टी होते हैं, हेल्दी भी होते हैं। इन्हें बनाना बहुत आसान है, तो चलिए फिर इन्हें फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। मखाने के लड्डू बनाने के लिए एक कढ़ाई या पैन ले लेंगे, उसमें देसी घी डाल देंगे। लो फ्लेम पर थोड़ा सा देसी घी को गर्म होने देते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले थोड़े से मैंने 25 ग्राम काजू ले लिए हैं, काजू को फ्राई कर लेते हैं। 25 ग्राम बादाम ले लिया मैंने, साथ में बादाम भी डाल देते हैं। चीज़ों को लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे ताकि इसका अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। हाई फ्लेम पर फ्राई करने से ये जल जाएंगे। नवंबर का महीने में काफ़ी गर्मी होती है, तो बहुत ज़्यादा बादाम का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। 20 ग्राम मैंने अखरोट ले लिया है, अखरोट को भी मैंने कम लिया है क्योंकि अखरोट भी काफ़ी गर्म होता है। ये सब चीज़ें जब आप दिसंबर या जनवरी के महीने में आप अगर ये लड्डू बना रही हैं तो इसको आप ज़्यादा डालिए। नवंबर के महीने दिसंबर तक काफ़ी आजकल के गर्मी रहती है, तो ये सब गर्म चीज़ों का इस्तेमाल कम करें। जब भी इस तरह के लड्डू आप खाएं बनाकर, तो इसके साथ एक ठंडी फल भी ज़रूर खाएं ताकि बॉडी में ज़्यादा हीट नहीं होना चाहिए। तो अब ये हमारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं, मखाने के लड्डू हैं, तो मैंने मखाने ज़्यादा लिए हैं, 50 ग्राम मखाने लिए हैं। इनको भी फ्राई कर लेते हैं। दोस्तों, मखानों में काफ़ी कैल्शियम होता है। मखाने को अगर आप दूध में भिगोकर खाएंगी तो ये आपके घुटनों के दर्द में काफ़ी आपको आराम देगा। तो हमारे मखाने भी फ्राई हो चुके हैं अच्छे से। थोड़ा सा देसी घी और ले लेते हैं। मैंने 50 ग्राम छुहारा ले लिया, सिर्फ टेस्ट अच्छा आता है। 1 कप मैंने नारियल ले लिया है, साथ में इन दोनों चीज़ों को भी भून लेते हैं। को भी रोज़ खाना चाहिए थोड़ा सा, ये हमारे ब्लड को साफ़ करता है, इससे हमारी स्किन अच्छी हो जाती है। नारियल को खाने के बाद थोड़ा सा ज़रूर खाएं। नारियल को सौंफ के साथ या थोड़ा सा नारियल का टुकड़ा खाने के बाद ज़रूर खाएं। सारे ड्राई फ्रूट्स को मैंने फ्राई कर लिया है, अब इनको पीस लेते हैं मिक्सी के जार में। नारियल और छुहारा ले लेते हैं, ये सारे ड्राई फ्रूट्स एक साथ पीसते हैं पहले। और ये मैंने 6 हरी इलायची ले ली। अगर आपके पास इलायची पाउडर है तो आप आधा स्पून, हाफ स्पून इलायची पाउडर डाल दीजिएगा अच्छा फ्लेवर लाने के लिए। सारे ड्राई फ्रूट्स पीसने के बाद इनको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अगर आप बहुत ज़्यादा सर्दी में बना रही हैं जनवरी के महीने में, तब आप इसमें मगज़ भी डाल सकती हैं, गोंद डाल दीजिए, सौंठ, बहुत सारी चीज़ें जाड़ों की पड़ती हैं, लेकिन आजकल नवंबर के महीने में बस गर्म चीज़ों का इस्तेमाल कम करना चाहिए। थोड़ा सा देसी घी हाफ स्पून के बराबर डाल लेते हैं। 1 कटोरी मैंने गुड़ लिया है, गुड़ आप अपनी मिठास के हिसाब से ले लीजिएगा। तो मैं अपनी मिठास के हिसाब से गुड़ डाल रही हूँ, तो मैंने काला गुड़ का इस्तेमाल किया है, जो पुराना गुड़ होता है। थोड़ा सा इसमें पानी डाल देते हैं, हाफ कटोरी, 3 से 4 स्पून समझ लीजिए। इसको मेल्ट कर लेते हैं, तो गुड़ हमारा इसमें झाग बनने लगी है और अच्छा सा ये हमारा गुड़ मेल्ट हो गया है। थोड़ी सी हल्की सी इसमें चिपचिपाहट आ जाए बस, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं करना है। सारा जो आपने ड्राई फ्रूट्स पीसा है इसमें मिला देते हैं, गैस को बंद कर देते हैं क्योंकि कढ़ाई में इतनी हीट होती है, उसी हीट से ये हमारा जो मिक्सचर है सब मिक्स हो जाएगा अच्छे से। बहुत ही लड्डू ये बनाना आसान है, बहुत जल्दी बन जाते हैं लड्डू। इलायची की खुशबू इसमें बहुत अच्छी आ रही है, इलायची का इस्तेमाल ज़रूर कर लीजिएगा। ठंडे हो जाएँ थोड़े से, लाइट गर्म रहे हैं, तो आप इनके लड्डू बना लीजिए, बहुत ही आसानी से लड्डू बन जाएंगे। इस तरह से सारे लड्डू बना लेते हैं, बिल्कुल ईजी से बन गए। साइज़ अपने हिसाब से रख लीजिएगा। और सारे लड्डू ये हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं, बिल्कुल परफेक्ट लड्डू बने हैं।